चीटर कौन है? सबसे पहले वो जो चीटर मोहन है वो आपको मिला? आप भी अभी सामने खड़े हैं मेरे, मैं ओके तो बताइए कि ये जो लाइन है, ये जो टोन है, ये नॉर्थ इंडियन की टोन जी, आप इसकी एक झलक आ रही है, तो ये कैसे डिसाइड किया आपने कि इस तरह का करना है? मैंने सोचा कि ऐसी कोई चीज़ करूं जो, ऐसे कोई लिरिक्स करूं जो हर लड़की आजकल रिलेट करती है अपने से, तो एक गाना हमने उसी के ऊपर लिख दिया। एंड किसी को, किसी के ऊपर पर्सनली अटैक नहीं कर रहे हैं, बट एक यूजुअल फनी नॉटी गाना है जो हम सब, हर लड़की और हर लड़का रिलेट करेगा, एंड फनी गाना है। अब फेस्टिव सीज़न शुरू हो रहा है, हमने कहा थोड़ा सा यू नो मौज मस्ती वाला माहौल बनाएं, एंड एक कलरफुल हैप्पी फन सॉन्ग दे लोगों को, लाइट हार्टेड, जो फैमिली में सब सुन सकें और डांस कर सकें और यू नो इस बारे में चर्चा कर सके। तो एक्चुअली इसीलिए एक ये गाना ऐसा बनाया। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल बिग चीटर मोहन शूटिंग के दौरान का? शूटिंग के दौरान बहुत मज़ा आया। शब्बीर अहमद जी ने ये लिरिक्स लिखे हैं, आदित्य देव ने सारी इसकी म्यूज़िक की अरेंजमेंट करी है, एंड अदरवाइज गाना का को म्यूज़िक डायरेक्ट मैंने किया है। तो वो भी एक एक्साइटमेंट था कि बहुत समय बाद मैं ये कर रही हूँ, एंड वीडियो अच्छा बन के आ गया है, एंड वायरल ओरिजिनल्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, तो पहली बार उनके साथ भी काम कर रही हूँ, तो एक बहुत एक्साइटिंग और नया प्रोजेक्ट जी। एंड अगर मैं गाने की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी गाना काफ़ी कैची है, लेकिन जो उसकी लाइंस जो बनाई गई जी, वो आपके लिए कितना कंफर्टेबल था, आपके लिए कितना इजी था म्यूज़िक को डायरेक्ट करना? एक्चुअली मेरे लिए बहुत इजी था, लिरिक्स तो बहुत इजी थे क्योंकि मैं यूपी की लड़की हूँ, एंड ये भाषा जो है यू नो बहुत ही, हम मैम छोटे से पले बड़े ऐसी भाषा सुनते हुए, तो एक मैंने सोचा आज तक बहुत पंजाबी गाने ही गाती आई हूँ, मैंने कहा एक डिफरेंट कोई फ्लेवर निकालूँ, कोई नई चीज़, तो इस करके ये गाना लिखा गया जी।